गर्मा गर्म चाय के साथ अगर जीरा बिस्किट्स मिल जाएं तो चाय का टेस्ट और डबल हो जाता है। जी फ्रेंड्स, ये बिस्किट्स मार्केट्स के नहीं हैं, इनको मैंने घर पे बनाया है। बिल्कुल मार्केट जैसे टेस्टी और क्रिस्पी बिस्किट्स हम घर पे बना सकते हैं। तो मैं जीरा बिस्किट की रेसिपी, जो कि मैं आटे से बनाने वाली हूँ, आपके साथ आज शेयर करूँगी। चलिए शुरू करते हैं जीरा बिस्किट्स बनाना। जी फ्रेंड्स, कभी भी हम बेकरी जाते हैं तो हमारे लिस्ट में जीरा बिस्किट ज़रूर होता है। सबको ही जीरा बिस्किट बहुत पसंद होता है। तो आज मैं जीरा बिस्किट की रेसिपी लाई हूँ, जो कि हम आटे से बनाने वाले हैं और इसको हम कढ़ाई में बनाएंगे। तो बहुत ही इजी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर लगने वाले हैं। घर में आटा होता है, जीरा हमारे घर में होता है, देशी घी है, नमक, शुगर पाउडर, थोड़ा सा दूध, बेकिंग पाउडर, सब कुछ जो घर में अवेलेबल होता है उसी से आज हम जीरा बिस्किट बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जीरा बिस्किट बनाना। सबसे पहले गैस पे पैन रखेंगे, कढ़ाई या पैन, और उसमें हमें जीरे को रोस्ट करना है। थोड़ा सा जीरा भून लेंगे पहले। देखिए फ्रेंड्स, बहुत हल्का हल्का सुनहरा होना शुरू हो गया है जीरा। अब इसको बंद कर देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लीजिए अलग। जीरा रोस्ट करने के बाद हमें एक ऐसा बड़ा कोई बाउल लेना है, आप परात, कोई स्टील का कटोरा, इस तरीके का चौड़ा बाउल ले सकते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले घी डालेंगे। तो ये 2 बड़ा चमचा घी है, इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। घी के अंदर सबसे पहले देशी घी डालना है। देशी घी के अंदर शुगर पाउडर लिया है मैंने, ये छोटा कटोरी शुगर पाउडर है, मतलब 1 चमचा शुगर पाउडर, थोड़ा सा ही जाएगा इसमें मीठा। तो 1 चमचा शुगर पाउडर डालकर इसको मिक्स करेंगे। अब इसको हम चम्मच को रखेंगे साइड और इसको हाथ से हम 3 से 4 मिनट फेटेंगे। जो ये, और आप थोड़ी देर में देखेंगे इसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। इसको 3 से 4 मिनट अच्छे से हैंड बीटर से या आप हाथ से फेटिए, हाथ से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। तो इसको लगातार फेटेंगे। शुगर पाउडर और घी को हमने अच्छे से फेंट लिया है। इसके अंदर अब सबसे पहले हम डालेंगे, 1 कटोरी आटा ले रही हूँ मैं, इसको छान के डालेंगे। इसी में हम डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और आधे से भी कम 1/3 खाने का सोडा। इसको भी हमें अच्छे से मिलाना है, हाथ से ही हम मिलाते हैं। इसका हमें एक डो बना लेना है और इसी टाइम हम इसमें जीरा भी ऐड करेंगे। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम ये जो हमने जीरे को भुना था इसको अब इसमें डालेंगे। एक चम्मच इसमें नमक भी डालेंगे हम। अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने इसे। अब क्योंकि हमें इसका आटा बनाना है, डो बनाना है, तो इसे में हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको टाइट करेंगे। 1-1 चम्मच दूध डाल के आप इसको फिर ऐसे मिलाना स्टार्ट कीजिए। Thank you.
सेटल होने देते हैं। सबसे पहले कढ़ाई को प्रीहीट होने के लिए छोड़ देंगे। इतने हमारा जो डो है वो सेटल हो रहा है, उसको शेप दे रहे हैं हम कुकीज़ को, इतने आप कढ़ाई को डिम गैस पर प्रीहीट होने के लिए छोड़ दीजिए। कढ़ाई के अंदर इस तरीके का स्टैंड अगर आपके पास है तो इसको रख दीजिए, नहीं तो आप एक कटोरी भी रख सकते हैं। और हम उस प्लेट का मेज़रमेंट कर लेंगे जिसमें हम कुकीज़ बनाने वाले हैं। ये आपके कढ़ाई में अच्छे से सेट होनी चाहिए। आप इसको कुकर कढ़ाई दोनों में ही बेक कर सकते हैं। इसे आप 4 से 5 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए छोड़ दीजिए। रेडी हो चुका है। अब इसको हम कुकीज़ की शेप देंगे। उसके लिए मैंने एक बड़ा कोई बर्तन, जैसे थाली या परात आप ले लीजिए, और उसके बैक साइड में इसको रख के इसको बेलेंगे। इसका जो फॉर्म होगा वो थोड़ा हम मोटा रखेंगे, बहुत बारीक इसको पूरी या रोटी की तरह नहीं बेलना है, थोड़ा मोटा रहेगा, इसलिए मैंने सारा आटा एक बार में ही लिया है। जैसे कि यहाँ से मैं काटने की बजाय इसको इस तरीके से एकसार कर ले रही हूँ। हम इनको स्क्वायर शेप में काटने वाले हैं, तो ऊपर का थोड़ा सा हो सकता है कि आप इनको गोल भी काट सकते हैं ढक्कन की हेल्प से, किसी भी ढक्कन से आप शेप बना के इसको गोल राउंड शेप में भी कुकीज को। तो इसको आप हाथ से इस तरीके से भी, ये देखिए, बिल्कुल स्क्वायर कर सकते हैं। चम्मच की मदद से निकालिए। देखिए जैसे कि हमने कुकीज को स्क्वायर शेप में काट लिया है, को कटिंग करके शेप दे दी है। अब इनको हम इस ट्रे पे सेट करेंगे। सबसे पहले ट्रे को अच्छे से देशी घी से ग्रीस कर लेना है। कुकीज़ को इस पर रखना स्टार्ट कीजिए। ये देखिए इस तरीके से थोड़ी दूरी बना के कुकीज़ में इनको प्लेट में सेट करेंगे। हमारी जो कढ़ाई है वो प्री हीट हो चुकी है, तो इन कुकीज़ को कढ़ाई में रखते हैं। कढ़ाई प्री हीट हो चुकी है। आप नॉर्मल प्लेट भी ले सकते हैं, लेकिन एल्युमिनियम की प्लेट में बेक करना ज़्यादा अच्छा। अब इसको हम 10 से 12 मिनट के लिए बेक होने जी, इसको 15 मिनट हो चुके हैं बेक होते हुए। मैंने 10 मिनट पे भी एक बार चेक किया था, लेकिन उस टाइम ये सही से ब्राउन नहीं हुआ था। अब देखिए इस टाइम पर ये बिल्कुल परफेक्ट लाइट ब्राउन हो चुका है। गैस बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद आप इस प्लेट को इस पे से निकाल लीजिए और इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। इसको कढ़ाई में से तुरंत निकालना इसीलिए ज़रूरी है, नहीं तो ये नीचे से ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा। ये ठंडी हो चुकी है कुकीज़।
ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कुकीज़ बन के रेडी हैं। इनको आप स्टोर करके रखिए आराम से, चाय के साथ स्नैक्स की तरह खाइए। ये देखिए बिल्कुल भी ओवरहीट नहीं है, बहुत परफेक्ट करारी बढ़िया हमारी आटा जीरा कुकीज़ बनी है। देखा फ्रेंड्स आपने कितने आसानी से आप जीरा बिस्किट्स घर पे बना सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी, आप इसको ज़रूर घर पे ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं आपको जीरा बिस्किट की रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्रिप्शन के बराबर में बेल बटन है, उसे ज़रूर क्लिक करें, उससे आपको मेरे नए रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए थैंक यू।